कन्हैया जी का गद्दा और तकिया मैंने बनाई थी, छोटी सी, एकदम क्यूट लग रही है ना, ऐसे ही मेरा मन किया, मैंने बोला ट्राई करके देखती हूँ अब बनती है कि नहीं, तो फर्स्ट बार बनाने की कोशिश की तो बन गई, लेकिन अगली बार बनाऊँगी ना तो ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। और ये स्क्रू रखे थे तो उठा के रख देती हूँ, और ये सब चुटर पुटर सामान कितना भी हो ना टेबल पे सब रख ही देते हैं, तो बस इनको सबको हटा के टेबल को थोड़ा क्लीन कर दूंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आज दही की अरबी। शायद आप लोगों ने कभी बनाई है कि नहीं, लेकिन ना बनाई हो ना तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं भी काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ। अरबी को मैंने उबाल के रख लिया है, और हरी मिर्च और हरी धनिया को काट के रख लिया है। इसमें ना प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, और मेथी या जीरा और हींग से तड़का देते हैं। और ये दही है, मैं इसको चला के रख लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें दूँगी तड़का। तो ये दही है, इसको मैंने चला के रख दिया है थोड़ा सा पानी डाल के, और इधर मैं मसाले घोल लूँगी कटोरी में, सूखे मसाले में, डायरेक्ट तेल में तो नहीं डालूँगी, मैं घोल के डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला था मिर्ची पाउडर, फिर मैंने डाला इसमें धनिया पाउडर, फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और मिर्ची पाउडर को मैंने थोड़ा कम ही रखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी हरी मिर्च ज़्यादा काटी है, और हरी मिर्च मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ मठा की अरबी में और मठे के आलू में, लाल मिर्च बहुत ज़्यादा कम पसंद करती हूँ। और अरबी को मैंने छील के रख दिया था, ठंडी भी हो गई है, और अब मैं इनको ना उंगलियों से फोड़ लूँगी। फूटी हुई अरबी ज़्यादा अच्छी लगती है, काटूँगी नहीं। तो तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, हींग और थोड़ी सी हरी मिर्च। थोड़ी हरी मिर्च मैंने बचा दी है, वो मैं बाद में डालूंगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने मसाले घोल के रखे थे, वो डाल दूंगी, और इनको मैं भूनूंगी। नमक नहीं डालना है, नमक एकदम लास्ट में डालूंगी जब तक ये मसाले तेल ना छोड़े। तो मसालों ने तेल छोड़ दिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी अरबी जो मैंने फोड़ के रखी थी, इनको मैं भूनूंगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें पानी, पानी बहुत थोड़ा डालना। मैं इसमें डाल दूंगी दही जो मैंने चला के रखा था, और दही मैंने ज़्यादा डाला था, पानी मैंने कम डाला था, इसलिए क्योंकि दही ना खट्टा नहीं था, मैंने घर में ही जमाया था कल, और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था जमाने के बाद, तो खट्टा नहीं हुआ। और अब मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी मिर्च जो मैंने बाकी बचा के रखी थी कटी हुई, ऊपर से डाल दूंगी, और इसको ना कंटिन्यू चलाऊंगी, क्योंकि अगर कंटिन्यू नहीं चलाऊंगी ना तो ये फट जाएगी सब्जी। सब्जी खदक गई है, अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक तो सब्जी खदकने के बाद ही डालना है, पहले नहीं डालना है, नहीं तो सब्जी फट जाएगी। तो बस इसको अब मीडियम आंच पे रख दूंगी बनने के लिए। तो देखो सब्जी बन चुकी है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ धनिया, और गाढ़ी भी हो गई है, और सब्जी बहुत अच्छी लगती है ये वाली सब्जी, मठा की अरबी। आप लोग जरूर बनाएं, टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में ना मेरे बच्चे भी कम खाते हैं और ये भी कम खाते हैं, इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। आज मैंने काफ़ी दिन बाद बनाई है। और इधर मैं निकाल रही हूँ ड्रेस, प्रिंस की ड्रेस निकालनी है बेड से, क्योंकि मैंने बेड में ही डाल दी थी, क्योंकि स्कूल तो बंद है, और जैसे ही लाई थी खरीद के वैसे ही डाल दिए। देखो पैक है पूरा, खोला भी नहीं है अभी तक मैंने। आज प्रिंस को ना फ़ोटो खींचनी है, बोले मम्मी एक फ़ोटो लगानी है, कोई फॉर्म वगैरह भरना है स्कूल का, तो स्कूल वाले बोल रहे हैं टीचर की स्कूल की ड्रेस में ही फ़ोटो डालना उसमें फॉर्म में, तो बस उसी लिए मैं पूरा बेड खोली, पूरा निकाल के उसकी फ़ोटो मैं खुद ही खींचूंगी। और पीछे का बैकग्राउंड भी बोला मम्मी वाइट चाहिए, तो मैंने बोला मैं कर दूंगी वाइट, हो जाएगा।
1 साल, साइज भी शायद छोटा हो गया होगा क्योंकि कब से रखी है, बोले थे चेंज हो जाएगा अगर स्कूल खोलेंगे तो देखो चेंज होगा कि नहीं होगा वो वक्त बताएगा, स्कूल भी पहले खुल जाए तब ना, नहीं मालूम पड़ेगी, रखे रखे ये भी पूरी बर्बाद हो गई, पैसे भी वेस्ट गए और यूनिफॉर्म भी ख़राब हो गई पूरी। और इधर बच्चे बैठे हैं तो बोल रहे हैं मम्मी आज मुझे पिज़्ज़ा मंगा के दो, मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है और बाहर तो बहुत दिन से गए नहीं हम लोग, तो बस मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं मंगा लो, बच्चे हैं कभी कभी मन करता है उनका भी, तो मैंने बोला कर लो ऑर्डर। बोल रहे काफ़ी दिन से पिज़्ज़ा नहीं खाया है और बाहर तो जाना आना होता ही नहीं, पहले तो बोली मैं चलो बाहर चल के खिला आती हूँ, लेकिन बाद में मैंने बोला नहीं घर पे ही मंगा लो, बाहर नहीं जाऊँगी, माहौल बाहर जैसा है नहीं। चलो करती हूँ ब्लॉग का यहीं पे एंड और मिलती हूँ आप लोगों को अगले ब्लॉग में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप लोग फर्स्ट बार आए हैं पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ मेरा वीडियो अपलोड होके आ चुका है, तो आप लोग उसको देख सके टाइम से। और आज की पार्टी आप लोगों को भी मेरे बच्चों की तरफ से, तो आप लोग भी पिज़्ज़ा खाइए, पार्टी एंजॉय कीजिए, मेरी छोटी सी पार्टी में आप लोग भी शामिल हो जाइए, तो चलो बाय।